ऑटोमोबाइल की दुनिया में अगर गाड़ियों की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज में कार्स को बांटते हैं। कितनी कैटेगरीज में? दो। एक है मोनोकॉक, दूसरा है लैडर फ्रेम। लैडर को बॉडी ऑन फ्रेम भी कहते हैं, मोनोकॉक और लैडर फ्रेम। मोनोकॉक मतलब जहां पे पूरा का पूरा खांचा एज इट इज मशीन से निकल के बाहर आता है, गाड़ी के नीचे का हिस्सा भी और गाड़ी के ऊपर का हिस्सा भी। ब्लैक नहीं, तो मोनोकॉक के अंदर पूरी बॉडी एक साथ निकल के बाहर आती है और उसमें बाद में सीटें इंजन वगैरह फिट करते हैं। दूसरा होता है लेडर फ्रेम, जिसमें जमीन जो नीचे का हिस्सा है गाड़ी का वो पहले बनता है, ऊपर वाला अलग बनता है और इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो नीचे वाले हिस्से के ऊपर सीटें वगैरह सब सामान रखा, ऊपर से आया खांचा उसके ऊपर लगा दिया। ये दो तरीके के होते हैं। तो मुझे आप बताओ कौन से वाले के अंदर पूरा का पूरा ढांचा बन के बाहर आता है? मोनोकॉक। कौन से वाले के अंदर अलग अलग बनते हैं दोनों? लैडर फ्रेम में। अब क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में इसमें इससे कारण फर्क आ जाता है और कार कंपनीज भी डिसाइड करती है कैसा वाला बनाए बेस्ड अपॉन कि गाड़ी को यूज कैसे किया जाएगा। आपने वो वाले ट्रक देखे हैं जिनके पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ आगे एक केबिन होता है ड्राइवर का, पीछे खाली ही होता है। क्या होता है? सिर्फ चेसिस होता है। ये ना दोनों एक तरह के चेसिस हैं। हम दो तरह के चेसिस की बात कर रहे हैं, दो तरह के बॉडी स्ट्रक्चर या दो तरह के चेसिस की बात कर रहे हैं। चेसिस सिर्फ नीचे वाली चीज को नहीं कहते, चेसिस उस स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये कह रहा है एक है लैडर फ्रेम, एक है मोनोकॉक। लैडर फ्रेम के अंदर नीचे वाला चेसिस होता है, उस पर बॉडी नहीं लगी हुई होती, मोनोकॉक में पूरा जुड़ा हुआ होता है साथ में। इनमें से ज्यादा मजबूत कौन सा होता है? लैडर फ्रेम। चलो इस पे मैं क्लैरिटी दे देता हूं थोड़ी सी। लैडर फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि लैडर फ्रेम वजन उठाने में काफी सक्षम होता है, मजबूती रहती है। एक लैडर फ्रेम वाली गाड़ी होगी ना, वो वजन तो उठा ही लेगी, साथ ही में ऑफ रोडिंग में भी कामयाब रहती है। क्यों? आप कभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखना, आप वीडियोस में देखोगे कि जो गाड़ियां कहीं खड्डों में लटका देते ना, टेढ़ी हवा में ही लटका दी, वो लैडर फ्रेम वाली गाड़ियों के साथ ऐसा करते हैं। मोनोकॉक के साथ बहुत रेयरली ऐसा करेंगे, नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो नीचे से टेढ़ा हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत आएगा, उसका स्ट्रक्चर ही मुड़ जाएगा। तो लैडर फ्रेम का स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है क्योंकि नीचे वाला पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, मजबूती के लिए, वजन उठाने के लिए, ऑफ रोडिंग जाने के लिए लैडर फ्रेम काफी कामयाब है। लेकिन इसमें एक नुकसान भी है। किसमें? लैडर फ्रेम में। लैडर फ्रेम में इसका फायदा क्या बताया मैंने? लैडर फ्रेम का मजबूती, ऑफ रोड, वेट उठाना, हैवी वेट उठाना। ट्रकों में देखोगे यही यही मिलेगा आपको, ट्रक का काम क्या है? वजन उठाना। लेकिन दूसरा इसका एक नुकसान भी है, माइलेज एग्जैक्टली नहीं कह सकते लेकिन गुड थॉट। इसका एक नुकसान यह है कि लैडर फ्रेम के अंदर वाइब्रेशंस थोड़े ज्यादा फील होते हैं। आप एक जेस्ट के अंदर बैठ जाओ, टिगोर के अंदर बैठ जाओ और एक सफारी के अंदर बैठ जाओ, आपको सफारी में थोड़े ज्यादा वाइब्रेशन फील होंगे। हाँ, स्कॉर्पियो, सफारी, इन गाड़ियों के अंदर थोड़े वाइब्रेशन थोड़े से ज्यादा फील होंगे, फिर भी लोग इनको लेते हैं। रीजन बीइंग कि इनमें वेट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इलेक्शन का टाइम आया, सफारी पे खड़ गए, मतलब 7 की जगह 10 या 15 लटक गए, कोई दिक्कत नहीं, सफारी लेके जा रही, देखा आपने थे सीन पहले, तो उसका फायदा होता है। दूसरा है मोनोकॉक। मोनोकॉक में नुकसान यह है कि इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। 5 लोग किए तो आप 6 लोग भर लो, 7 लोग भर लो, ज्यादा भरोगे तो गाड़ी के स्ट्रक्चर को नुकसान होता है। इनफैक्ट गाड़ियों में लिखा होता है इतने से ज्यादा लोग बना बिठा है। लेकिन इसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं। मोनोकॉक का फायदा क्या है? वाइब्रेशंस कम होते हैं। आज की डेट में अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो लग्जरी गाड़ी खरीदे तो क्या वाइब्रेशन चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? इस कारण से वो कहते हैं मोनोकॉक पे चला जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है XUV500, कौन सा चेसिस है उसका? मोनोकॉक चेसिस। महिंद्रा की आती है लेकिन वो स्कॉर्पियो की तरह है, लेडर फ्रेम नहीं है, वो मोनोकॉक है। वो कहते हैं सिटी के हिसाब से है। टाटा की हैरियर मोनोकॉक है,
सिटी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी क्षमता है, डेफिनेटली है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन मेन ये सिटी में चलेगी, वाइब्रेशंस नहीं देगी, बढ़िया गाड़ी है। लेकिन वजन उठाने की क्षमता, उबड़ खाबड़ रस्ते में जाने की एक्सट्रीम क्षमता, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगी गाड़ियां जैसे कि हेक्सा है, सफारी है, स्कॉर्पियो है, जो एक्सट्रीम 4x4 व्हीकल्स है जिनके अंदर लेडर फ्रेम आ रहा है। लेकिन नुकसान सिंपल सा है, इसमें वाइब्रेशंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस, कितने लोग अब इसके बारे में कोई भी सवाल आ जाए आंसर कर सकते हैं? किसी को डाउट?